चलिए रुक करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की ओर जो अयोध्या मामले से जुड़ी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकार की अपील को ठुकरा दिया है। हफ्ते में 5 दिन सुनवाई जारी रहेगी, ये सर्वोच्च अदालत ने कहा है। आपको बता दें इससे पहले मुस्लिम पक्षकार के वकील राजीव धवन की तरफ से ये कहा गया था कि हफ्ते में 5 दिन अगर अयोध्या मामले की सुनवाई होती है तो वो व्यवहारिक नहीं है क्योंकि मुकदमे की तैयारी के लिए वक्त नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम इस मामले पर बाद में अपनी टिप्पणी देंगे और अब फैसला आ चुका है, 5ों दिन सुनवाई जारी रहेगी। वो हमको आदेश सुना दे, हम ऑर्डर, हम लोग जाए घर अपने अपने, यहाँ पर बैठ करके रोड पर धक्का खा रहे हैं। रातों में हो जाऊंगा, रातों में हो, जब रात में कोर्ट बैठ सकता है तो रात में कोर्ट नहीं बैठ के कर सके। तो इसलिए ये काम गलत है, जो कोर्ट के रवैया चल रहा है ये बहुत अच्छा है, ये जल्द से जल्द निर्णय दे देगा। हम लोगों के अपना विश्वास है, देना तो उनके है। और इसमें और कोई घबराने की बात नहीं, अब तो नित्य सुनवाई चल गया है। तो अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। 5ों दिन सुनवाई पर मुस्लिम पक्षकारों ने एतराज जताया था, कहा था कि तैयारी का वक्त नहीं मिलेगा। अयोध्या मामले पर आज 4थे दिन भी सुनवाई हुई। रामलला के पक्षकारों ने अपनी दलीलों को आगे बढ़ाया, लेकिन सुनवाई होते ही मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट के सामने अपील की है कि वो हफ्ते में 5 दिन सुनवाई के लिए कोर्ट की मदद नहीं कर सकते हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन ने कहा, यह अव्यवहारिक है, इससे हमें मुकदमे की तैयारी करने का पर्याप्त समय नहीं मिलेगा। मुस्लिम पक्ष की इस अपील पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, आपकी बात सुन ली है, हम इस पर बाद में बात करेंगे। दरअसल इस अहम मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक परंपरा तोड़ी है। रोजाना सुनवाई के तहत हफ्ते में 3 दिन सुनवाई होती थी, लेकिन अयोध्या मामले की सुनवाई अब हफ्ते में 5 दिन होगी। कोर्ट का मानना है कि इससे दोनों पक्षों के वकीलों को अपनी दलीलें पेश करने का वक्त मिलेगा और जल्द ही इस मामले पर फैसला आ सकेगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस मामले पर एतराज जताया है। टीम न्यूज नेशन।